क्वेश्चन नंबर 217 प्रूव दैट अंडर रूट सेक ए माइनस टेन ए बाय सेक ए प्लस टेन ए इक्वल टू कॉस ए बाय वन प्लस साइन ए। तो इसको हम एलएचएस से आरएचएस प्रूव करेंगे। ये है सेक ए माइनस टेन ए अपॉन सेक ए प्लस टेन ए। तो इसमें हम सिंपली इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे। तो इसको रेशनलाइज करने से ये होगा सेक ए माइनस टेन ए अपॉन सेक ए माइनस टेन ए इक्वल टू रूट ओवर, इस दोनों के न्यूमरेटर आइडेंटिकल है तो मल्टीप्लाई करने से ये होगा सेक ए माइनस टेन ए होल स्क्वायर अपॉन, और इसके डिनोमिनेटर में हम यूज करेंगे इस एल्जेब्रिक आइडेंटिटी को। वी नो दैट ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हम इसके डिनोमिनेटर को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू रूट ओवर सेक ए माइनस टेन ए होल स्क्वायर अपॉन, और इस सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू होता है वन, और इस स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो ये होगा सेक ए माइनस टेन ए। और फिर हम इसको सेक ए को लिख सकते हैं वन बाय कॉस ए, और इस टेन ए को साइन ए बाय कॉस ए। तो अब इसमें हम एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम होगा कॉस ए, पर हमें इसमें लाना है कॉस ए बाय वन प्लस साइन ए। तो हम इसके न्यूमरेटर को रेशनलाइज करेंगे। तो ये होगा वन माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस ए इंटू वन प्लस साइन ए, और वन माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए। तो इसमें कॉस ए से स्क्वायर कैंसिल होगा सो इक्वल टू कॉस ए बाय वन प्लस साइन ए इक्वल टू आर एच एस, हेंस प्रूव्ड।